Hello everyone. Today we are going to discuss diuretics in which is the second unit in medicinal chemistry for fifth semester. So सबसे पहले बात कर लेते हैं diuretics होते क्या हैं. Diuretics are the drugs that promote excretion of sodium or chloride or bicarbonate and water from the body, resulting in an increase in urine flow. Diuretics इस तरह की drugs हैं जो हमारी body में से excess sodium हो गया या chloride ion हो गया, bicarbonate ion हो गया या water हो गया, उसको body में से निकाल देते हैं. जिससे क्या होता है, हमारी body जो urine है उसका flow increase कर जाता है. और ये कहाँ पे act करते हैं? These act directly on the kidneys. किडनीज के ऊपर एक्ट करते हैं. सो दिस इज अ डायग्राम शोइंग द वेरियस साइट्स ऑफ एक्शन ऑफ डायुरेटिक्स. डायुरेटिक्स चार तरह से एक्ट कर सकते हैं, साइट वन पे, साइट टू पे, थ्री पे एंड साइट फोर पे. साइट वन जो है हमारी यहाँ पे, ये है हमारे पास विच इज पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल्स इसको बोलते हैं. ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है जिसके अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं. जैसे यहाँ से हमारा बोमेंस कैप्सूल इसको बोलते हैं, इसके अंदर जो यहाँ का रीजन है दिस इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस. उसके बाद ये जो आपका रीजन है दिस इज कॉल्ड पीसीटी और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. देन दिस इज द लूप ऑफ हेनले, राउंड शेप में है ये, लूप की तरह है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है ये रीजन, साइट थ्री जहाँ पे एक्ट होता है विच इज कॉल्ड डीसीटी और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल विच फॉलोज द कलेक्टिंग डक्ट. और यहाँ पे हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है. साइट फोर इस जगह पे प्रेजेंट है. इन केसेस में देखिए, यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है किस तरह से सोडियम क्लोराइड है या वाटर है, इनका एक्सचेंज होता रहता है. इस जगह पे हमारे पास जहाँ पे सर्कल है और एरो स्ट्रेट लगा है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है. जहाँ पे एरो डॉटेड है वहां पे हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन है. सो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं. क्लासिफिकेशन जैसे मैंने अभी बताया, चार साइट्स हैं हमारे पास जहाँ पे आपके डायुरेटिक्स एक्ट करेंगे. तो उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे डायुरेटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू साइट वन, साइट टू, साइट थ्री एंड साइट फोर डायुरेटिक्स. अब आगे हमारे पास साइट वन डायुरेटिक्स सबसे पहले आएंगे जो फर्दर तीन क्लासेस में डिवाइडेड है. फर्स्ट आर द ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स, सेकेंड आर जेंथीन डेरिवेटिव्स, थर्ड आर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स. तो ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स में सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास आती है, एक बार फिर से देख लेते हैं साइट वन डायुरेटिक्स कहाँ पे एक्ट करेंगे. दिस इज द साइट वन, यहाँ पे एक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स की बात करें तो यूरिया है, मैनिडोल है या सॉर्बिटोल है. देन वी हैव जैंथीन, जैंथीन में हमारे पास कैफीन है, थियोफाइलिन है, थियोब्रोमीन है, दीज ऑल्सो एक्ट ऑन साइट वन. देन थर्ड हमारे पास है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स. कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स में हमारे पास एग्जाम्पल आती हैं एसिटोजोलामाइड की, मिथाजोलामाइड की या डाइक्लोरफिनामाइड की. ये है हमारे पास डाइक्लोरफिनामाइड. अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स क्या करते हैं, हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, उसने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के कार्बोनिक एसिड बनाना है, H2CO3 बनाना है या इसी रिएक्शन को रिवर्स कराना है, कार्बोनिक एसिड का ब्रेकडाउन कराना है इनटू बाइकार्बोनेट HCO3 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव आयन में, ताकि उसको हम जब जरूरत पड़े उसकी एक्सक्रीशन करा सकें. देन सबसे पहले एग्जाम्पल है एसिटोजोलामाइड. एसिटोजोलामाइड का ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें एक सल्फर है और दो नाइट्रोजन्स हैं.
तो प्रेफरेंस हम सल्फर को देंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। सल्फर को 1 देते हुए अगर सल्फर है तो उसके लिए थाया यूज करते हैं, अगर नाइट्रोजन है उसके लिए एजा यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन हमारे पास 2 है तो डाइएजा, सो इट विल बी थाया 1 पे सल्फर, 3 पे नाइट्रोजन और 4 पे नाइट्रोजन, 1, 3, 4 थाया डाया जोल, क्योंकि हमारे पास 1 सल्फर था 2 नाइट्रोजन थे, थाया डाया उसके लिए, और पोजीशंस को मेंशन करने के लिए 1, 3, 4। अब इसके बाकी ग्रुप्स क्या लगे हैं, हमारे पास 5th पोजीशन पे लगा है एसिटामाइडो, दिस इज द एसिटामाइडो ग्रुप, और 2nd पोजीशन पे हमारे पास लगा है सल्फोनामाइड, तो हम इसको सल्फोनामाइड का डेरिवेटिव बनाएंगे। अगर हम इसको सल्फोनामाइड का डेरिवेटिव बनाते हैं तो ये हमारे 5th पोजीशन पे आएगा एसिटामाइडो, 1, 3, 4 थाया डायाजोल, 2 सल्फोनामाइड, 2nd पोजीशन पे हमारे पास सल्फोनामाइड लगा था। अब इस केस में कोई पूछ सकता है कि हमने सल्फोनामाइड का अगर डेरिवेटिव नहीं बनाना, कि हमने सिर्फ इसका डेरिवेटिव बनाना है, तो इसको नंबरिंग 2 क्यों दी गई है और इसको 5 क्यों दी गई है, नंबरिंग तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, 1, 2 की जगह 1, 2, 3, 4, 5 भी दे सकते थे। तो इस केस में अगर हम देखें तो सल्फेट ग्रुप लगा है और अमाइनो भी लगा है, तो इसको हम प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी वजह से इसको स्मॉलेस्ट नंबर दिया जाएगा। देन सेकेंड एग्जाम्पल फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स इज मिथाजोलामाइड। मिथाजोलामाइड में भी हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें 1 सल्फर है और 2 नाइट्रोजन हैं, ये है हमारे पास रिंग। इस केस में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड निकल गया है, ठीक है, ये बॉन्ड इधर को शिफ्ट हुआ, सो 1, 2 पे हमारे पास सल्फोनामाइड है, 5 पे हमारे पास एसिटामाइड है, और 4th पोजीशन पे जहाँ पे ये नाइट्रोजन लगा है उसके ऊपर हमारे पास मिथाइल लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, N4-2-sulfamoyl। अब इस केस में हम एसिटामाइड का डेरिवेटिव बना रहे हैं, एसिटामाइड का जब डेरिवेटिव बनाएंगे तो सल्फोनामाइड को हमें रिंग में लेना पड़ेगा, तो सल्फोनामाइड को हमने 2nd पोजीशन पे लगाया, तो ये सल्फोनामाइड नहीं बोला जाएगा, इसको सल्फामोइल कहेंगे इस ग्रुप को। सो 4-2-sulfamoyl, 1, 3, 4 थाया डायाजो डायाजोल, 5 हिलाइड इन, 5 के ऊपर हमारे पास क्यों बोला, एसिटामाइडो जो हमारा था 5th पोजीशन पे था, और ये लाइडीन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था इन दोनों के बीच में, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है एसिटामाइड। दिस इज द नोमेनक्लेचर फॉर मिथाजोलामाइड। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो आता है वो है डाइक्लोरफिनामाइड। डाइक्लोरफिनामाइड का स्ट्रक्चर इस तरह से है, इसके अंदर हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर 2 क्लोरो लगे हैं, 1 सल्फोनामाइड लगा है इधर और 1 सल्फोनामाइड लगा है इस तरफ। तो अगर इसकी हम नंबरिंग करें, सल्फोनामाइड को प्रेफरेंस देंगे तो इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक और सल्फोनामाइड है तो उधर ही जाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 4 और 5 पे हमारे पास डाइक्लोरो, 4, 5 डाइक्लोरो बेंजोल, 1, 3 डाई सल्फोनामाइड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हमारे पास कैटेगरी आती है साइट टू डायुरेटिक्स की, जिनको हम लूप डायुरेटिक्स या हाई सीलिंग डायुरेटिक्स भी कहते हैं। साइट टू ये है हमारे पास, लूप ऑफ हेनले के अंदर प्रेजेंट है ये साइट, इसकी वजह से इसको बोलते हैं लूप डायुरेटिक्स। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स आती हैं, सबसे पहले सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स की, उसके बाद हमारे पास इसमें सेकंड क्लास आती है फिनॉक्सीएसिटिक एसिड्स की, और थर्ड क्लास हमारे पास आती है ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स की। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स की। सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स मीन्स सल्फोनामाइड ग्रुप तो प्रेजेंट है ही, सबसे
इसकी सबसे कॉमन एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है फ्यूरोसेमाइड. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरोसेमाइड. इसमें हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है, यहाँ पे NH2 है, ये सल्फोनामाइड है, क्लोरो है, देन इसके ऊपर फ्यूरान रिंग भी अटैच्ड है. तो इसको नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, क्योंकि COOH प्रेजेंट है, प्रेफरेंस इसको देंगे. नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हमारे पास पहले अल्फाबेटिकली देखें तो C सबसे छोटा है, 4 क्लोरो, देन सेकेंड पोजिशन पे 2 लिख के N फ्यूराइल, 5 सल्फामोइल एंथ्रानीलिक एसिड. ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एंथ्रानीलिक एसिड. तो इसको हम एंथ्रानीलिक एसिड का डेरिवेटिव बना सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास ये परफ्यूराइल है, दिस इज कॉल्ड फ्यूराइल. अगर हमारे पास CH2 भी लग गया तो दिस इज कॉल्ड परफ्यूराइल. ठीक है, उसी तरह से हमारे पास सेकेंड सल्फोनामाइड डेरिवेटिव आता है ब्यूमिटेनाइड. इस केस में हमारे पास ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है. अब इसका अगर नॉमेनक्लेचर करें, फर्स्ट पोजीशन पे तो COOH है, बाकी ग्रुप्स देखते हैं कहाँ कैसे कैसे लगे हैं. थर्ड पोजीशन पे हमारे पास ये है 1, 2, 3, 4 ब्यूटाइल, ब्यूटेन डेरिवेटिव हो गया, और N है हमारे पास अमाइनो ग्रुप लगा है. सो दिस विल बी कॉल्ड 3 ब्यूटाइल अमाइनो, 4 दिस इज फिनॉक्सी, 5 सल्फामोइल बेंजोइक एसिड. सेकेंड हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है लूप डायुरेटिक्स में, फिनॉक्सीएस्टिक एसिड डेरिवेटिव्स. ये जो ब्लू कलर है दिस इज द फिनॉक्सीएस्टिक एसिड. फिनॉक्सीएसिटिक एसिड के स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 क्लोरो ग्रुप लगे हैं और साथ में हमारे पास ये ग्रुप लगा है. अब हम किस ऐसे इसका कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे, नंबर 1 इसको देंगे, 2, 3 डाइक्लोरो, फिर फोर्थ पोजिशन पे हमारे पास 1, 2, 3. एक तो ये है, लेकिन इधर को चलें तो 1, 2, 3, 4 लंबी चेन 4 वाली बन रही है. सो 2 मिथाइलिन, 1, 2 के ऊपर मिथाइलिन क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, ब्यूटराइल 1, 2, 3, 4 ब्यूटराइल था, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड या इसको बोलते हैं एथाक्रिनिक एसिड. थर्ड हमारे पास आते हैं ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स. इनके अंदर हमारे पास मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है. जैसे ये फर्स्ट वाला कंपाउंड है, इसमें हमारे पास HGOH की फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड मर्सेलाइल. देन वी हैव सेकंड कंपाउंड मर्केप्टोमेरिन, इसमें हमारे पास HGS और यहाँ पे हमारे पास सोडियम एसिटेट की फॉर्म में प्रेजेंट है. देन थर्ड कैटेगरी इज साइट 3 डेरिवेटिव्स. साइट 3 डेरिवेटिव्स में हमारे पास सबसे पहली क्लास आती है बेंजो थायरडायजीन डेरिवेटिव्स. बेंजो थायरडायजीन के बाद हमारे पास आएंगे क्विनाजोलिन डेरिवेटिव्स. इसमें हमारे सिलेबस में बेंजो थायरडायजीन डेरिवेटिव्स हैं, उनमें सबसे पहली एग्जांपल है क्लोरथायाजाइड की. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरथायाजाइड. इस केस में हमारे पास बेंजीन के साथ एक थायरडायजीन रिंग फ्यूज्ड है. ये 6 मेंबर रिंग है. तो इस केस में हम कैसे इसका नाम करेंगे, सल्फर है इसको प्रेफरेंस मान देंगे. जैसे हम पीछे दे रहे थे 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग में, इसमें भी हम सल्फर को प्रेफरेंस देंगे. नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 1 के ऊपर हमारे पास 2 ऑक्सो ग्रुप लगे हैं या 2 ऑक्सीजन लगे हैं, तो इसको बोलेंगे 1-1 डाइऑक्साइड या डाइऑक्सो. 6 क्लोरो, 6 पोजीशन पे क्लोरो है. सेकंड पोजीशन पे हमारे पास यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम उसको 2H लिखेंगे. सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है. 1, 2, 1, 2, 4 फोर्थ पोजीशन तक हमारे पास ये कैसे रहेगा, बेंजो थाया डायाजीन 7 सल्फोनामाइड. मतलब हमारे पास जो 1, 2, 4 पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे सल्फर है, सेकंड पे नाइट्रोजन है, फोर्थ पे फिर से नाइट्रोजन है, दिस इज कॉल्ड 1, 2, 4 बेंजो थायाडायाजीन
और सेवन पोजीशन पे सल्फोनामाइड है तो सेवन सल्फोनामाइड, या इसको बोलते हैं क्लोरथायाजाइड। उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड आता है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड जो है इस केस में हम इसका नॉमेनक्लेचर अगर करें सब कुछ सिमिलर है एज जैसे हम क्लोरथायाजाइड की बात कर रहे थे, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया है, ये डबल बॉन्ड निकल गया है। इसको हम कैसे बोलेंगे, 1,1-dioxo या डाइऑक्साइड, 6-chloro, 6 पोजीशन पे क्लोरो, 3-4, देखो अब 3-4, पहले हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 pH था, अब 3-4 पे भी हमारे पास है 3-4 डाइहाइड्रो 2H 1-2-4 बेंजो थाया डायाजो डायाजीन 7 सल्फोनामाइड। उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है हाइड्रोफ्लोमिथाजाइड का। हाइड्रोफ्लोमिथाजाइड में फर्क इतना है कि यहाँ पे 6 पोजीशन पे CF3 या ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप लग गया है। इसका नाम कैसे करेंगे, 1-1 डाइऑक्साइड या डाइऑक्सो, 3-4 डाइहाइड्रो, 6 ट्राइफ्लोरोमिथाइल, अब 2H, 1-2-4 बेंजो थायाडायाजीन, 7 सल्फोनामाइड, इस तरह से। देन हमारे पास आता है साइक्लोथायाजाइड का नॉमेनक्लेचर। साइक्लोथायाजाइड को कैसे है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड पोजीशन पे एक नॉर्बोरेन रिंग लग गई है। नॉर्बोरेन जो है हमारे पास बोरेन भी नहीं है, बोरीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सेकेंड पोजिशन से जुड़ी है। तो इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, 1-1 डाइऑक्साइड, 3-4 डाइहाइड्रो, 5 पे हमारे पास है डाइहाइड्रो, और 3 के ऊपर हमारे पास है 5 नॉर्ड बोरेन 2 आइल, 5 नॉर्बोरीन 2 आइल, 6 क्लोरो 2H, 1-2-4 बेंजो थायाडायाजीन, 7 सल्फोनामाइड। सेकेंड कैटेगरी हमारे पास आती है इसी में क्विनाजोलिन डेरिवेटिव्स की। इसमें हमारे पास कुछ एक एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल क्विनिथाजोन है, मिटोलाजोन है, इनमें हमारे पास क्विनाजोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्विनोलिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देन वी हैव लास्ट कैटेगरी ऑफ साइट 4 डायरेटिक्स और पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले एल्डोस्टिरोन एंटैगोनिस्ट। एल्डोस्टिरोन एंटैगोनिस्ट में हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड आता है स्पाइरोनोलैक्टोन। इसमें हमारे पास सेकेंड कैटेगरी आती है एपिथेलियल सोडियम आयन चैनल इनहिबिटर्स। इस केस में हमारे पास ये कंपाउंड्स आते हैं, फर्स्ट इज ट्राइएमेट्रिन, सेकेंड इज एमिलोराइड। ट्राइएमेट्रिन का स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये जो रिंग होती है इसको बोलते हैं टेरिडीन, पी साइलेंट है टेरिडीन। सो इसके ऊपर नंबरिंग जब करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1-2-3-4-5-6-7-8। इस केस में हमारे पास 2-4-7 तीनों पोजीशन के ऊपर अमाइनो है, तो ट्राई अमाइनो, 6 पे हमारे पास फिनाइल है टेरिडीन, इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। देन वी हैव अमीलोराइड। अमीलोराइड का स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, पायराजीन है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायराजीन। इसमें हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1-2-3-4-5-6। इस केस में हमारे पास ये है ग्रुप C डबल बॉन्ड ओ एन, C डबल बॉन्ड एन एच और NH2। तो इस केस में हमारे पास थर्ड पोजीशन पे अमाइनो, 4-5 पोजीशन पे अमाइनो, 6 पोजीशन पे क्लोरो। तो इसको हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कार्बोक्सामाइड डेरिवेटिव बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो N अमाइडिनो 3-5 डाई अमाइनो 6 क्लोरो पायराजीन कार्बोक्सामाइड, ये रहा।
ये हमारे पास अमाइडीन, एन पे अमाइडीन। सो इस तरह से हम करेंगे इनके नॉर्मल क्लेचर। तो आज हमने चार क्लासिफिकेशंस कर ली, डायुरेटिक्स होते क्या हैं, डायुरेटिक्स की क्लासेस कौन कौन से हैं, साइट वन, साइट टू, साइट थ्री और साइट फोर के ऊपर एक्ट करने वाले। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विद द सिंथेटिक पार्ट ऑफ द वेरियस डेरिवेटिव्स विच हैव टू बी कवर्ड इन योर सिलेबस। जैसे साइट वन है, साइट टू है या साइट थ्री है, इनमें से एसिटोजोलामाइड है, इसकी सिंथेसिस है आपके सिलेबस में। देन वी हैव फ्यूरोसेमाइड, इसकी सिंथेसिस भी है सिलेबस में। क्लोरथायाजाइड है, इसकी सिंथेसिस भी है आपके सिलेबस में। तो ये कैसे बनाए जाते हैं लेबोरेटरी में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।